हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्जी। तो ये रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम एक कढ़ाई ले लिए हैं। अब हम उसमें ऐड किए हैं थोड़ा सा रिफाइनल, एक छोटा चम्मच जीरा, दो सूखी लाल मिर्च और थोड़े से लहसुन, एक छोटा टमाटर, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा नमक, दो हरी मिर्च। अब हम सबको हल्का फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ गैस बंद कर दिए हैं और ये मेरा अब ठंडा हो गया है। अब हम सबको अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लिए हैं। अब उसमें सारा ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं मेरा इतना अच्छा से पेस्ट बन के तैयार है। अब हम फिर से एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसी को हम धो के अब हम उसमें ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल, एक छोटा चम्मच जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, दो तेज पत्ता और चार प्याज, जिसे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लिए थे। अब हम प्याज को लाल होने तक फ्राई करेंगे। इधर मेरा प्याज जो है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक। नमक हम पहले भी ऐड किए थे इसलिए हम नमक यहाँ थोड़ा सा ही ले रहे हैं। और वो पेस्ट जो पीस के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले को 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। उधर देख सकते हैं मेरा जो मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। अब पनीर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इधर 5 मिनट हो गया है। तो देख सकते हैं मेरा जो पनीर का सब्जी जो है वो बन के तैयार है। अब हम एक बॉल में सब्जी को पलट लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे बटर। और थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो इधर मेरा पनीर की जो सब्जी है वो बनके तैयार है। तो यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।